एग्जाम डी में आपका स्वागत है। एग्जाम डी तैयारी एग्जाम की। यूजी सेमेस्टर वन का एग्जाम का रूटीन आ चुका है और पिछला वीडियो में हम लोग ने इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी कर लिया है। उम्मीद करता हूँ कि वो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपने अपने एग्ज़ाम को समझ लिया होगा कि कब किस दिन क्या एग्ज़ाम होने वाला है। बस अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब आपका एग्ज़ाम होगा तो उस एग्ज़ाम का जो सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा कुछ तो उसका फुल मार्क्स होगा और आप ये भी सोचे होंगे कि कितना पास मार्क्स है जो मुझे लाना ही पड़ेगा। बस वही चीज़ मैं आपको बताने आ रहा हूँ इस वीडियो में, यकीन कि इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि आपके सभी सब्जेक्ट के फुल मार्क्स कितने हैं, पास मार्क्स कितने हैं और क्रेडिट कितने हैं। ठीक है, इस और यही नहीं, लास्ट में आपको आपका क्वेश्चन कैसे आएगा, कौन सा क्वेश्चन आपको बनाना ही पड़ेगा, ये भी बताऊँगा। तो वीडियो में बने रहिए अच्छे तरीके से और लास्ट तक देखिए, आराम से देखिए, टेंशन फ्री होके देखिए। और हाँ, अगर आपका जो नेचर है वो तो हेल्पिंग नेचर है तो अपने फ्रेंड सर्कल में भी जो जो यूजी सेमेस्टर वन के एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको भी ये वीडियो शेयर कर दें ताकि उनको भी क्या होगा ना, इससे हेल्प मिल जाएगा। ठीक है, और आपको एक संतुष्टि मिलेगी कि आपने किसी की मदद भी की है। ठीक है, देखिए पढ़ाई में मदद करनी बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपके सब्जेक्ट के कोड्स क्या हैं, फिर आपको बताऊंगा क्रेडिट, फिर आपको फुल मार्क्स, फिर आपको पास मार्क्स। ठीक है, और अगर आप थोड़े से भी नॉलेज रखते हैं तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये सारा चीज़, वही चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको बड़े ही आराम से समझा दूँगा। ठीक है, अब देखिए सब्जेक्ट की बात करते हैं। आपका जो मेजर सब्जेक्ट होता है ना, जो आपका मेजर सब्जेक्ट है, सबसे मेन सब्जेक्ट, उसको बोलते हैं MJ1। ठीक है, हो सकता है किसी का हिस्ट्री हो, किसी का इकोनॉमिक्स हो, किसी का फिजिक्स हो, किसी का केमिस्ट्री हो, सबका अलग अलग मेजर होता है। तो ये मेजर सब्जेक्ट जो है, जिसे पहले ऑनर्स पेपर बोलते थे, अभी भी शायद कोई कोई बोलता ही है, ठीक है, ऑनर्स पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें आपको 4 क्रेडिट मिलेंगे और फुल मार्क्स 100 होगा। पास होने के लिए कितना चाहिए? 40 नंबर। माइनर की अगर बात करें, यानी कि आपका माइनर, इसे सब्सिडरी बोलते थे पहले, अब इसको माइनर बोल दिया गया। किसी का पॉलिटिकल साइंस हो सकता है, किसी का हिस्ट्री हो सकता है, किसी का फिजिक्स, किसी का केमिस्ट्री हो सकता है। तो ये जो माइनर है उसका भी क्रेडिट 4 है, फुल मार्क्स 100 है और पास मार्क्स के लिए कितने चाहिए? 40 चाहिए। आप देख सकते हैं कि दोनों में 100-100 मार्क्स है। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि आगे अब मैं जो आपको क्वेश्चन का पैटर्न बताऊंगा ना, किस तरीके से क्वेश्चन आएगा, उसमें ये मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो 100-100 मार्क्स किसके हैं? मेजर और माइनर के। अब MDC पे आते हैं। MDC मतलब मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स, यानी कि आपने इंटर में जिसकी पढ़ाई नहीं की थी वो सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट किसी ने जो भी चुना हो सकता, किसी ने फिलोसॉफी चुना हो, किसी ने हिस्ट्री चुना हो, किसी ने केमिस्ट्री चुना हो, ठीक है, किसी ने होम साइंस चुना हो, किसी ने सोशियोलॉजी चुना हो, बहुत सारे सब्जेक्ट भरे पड़े हैं। तो इन सब्जेक्ट का यानी MDC का जो क्रेडिट है वो 3 है, इसका जो फुल मार्क्स है वो 75 है और पास होने के लिए चाहिए 30 नंबर। अगला आपका है AEC, यानी कि इसे बोलते हैं एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स, और ये आपका हिंदी है। एग्जाम डी के जो चैनल है वहाँ पर हिंदी के बारे में बहुत सारे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, बहुत सारे जो है वीडियो लेक्चर करवाए गए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके उसको देख लीजिए, आपकी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प हो जाएगा। देखिए आपको इससे 2 क्रेडिट मिलेंगे, फुल मार्क्स आपके 50 हैं और पास होने के लिए 20 नंबर चाहिए। 20 नंबर से ज़्यादा का बता दिया गया इस चैनल पे, ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेना, 20 नंबर से ज़्यादा का बता दिया गया, बस आप उसे ध्यान से देखिए, पूरा देखिए, ठीक है, और उसे नोट्स करके रख लीजिए, आपको बहुत काम आएगा, पास ऐसे ही हो जाएंगे आप। और देखिए वैल्यूएटेड कोर्स में क्या क्या चीज़ है, अंडरस्टैंडिंग इंडिया है और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है और योगा भी है अगर आपने लिया है। तो यहाँ पर देखिए अंडरस्टैंडिंग इंडिया और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ या फिर योगा का मिला के 2-2 करके मार्क्स हैं। देखिए 2-2 करके, मतलब ये क्रेडिट है और इसका जो फुल मार्क्स है वो है 50-50, यानी कि दोनों का फुल मार्क्स 50-50 है और पास होने के लिए कितना चाहिए? 20-20, ठीक है, यानी 20 नंबर पास के लिए चाहिए और आपका फुल मार्क्स है 50 और क्रेडिट मिलेंगे आपको 2, यानी कि दोनों को मिला देंगे तो 4 क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, अब फाइनली आपका जो एग्ज़ाम होगा वो क्या एग्ज़ाम होगा आपको पता है, 25 तारीख को आपका एग्ज़ाम है डिजिटल एजुकेशन का। तो डिजिटल एजुकेशन का जो क्रेडिट है वो है 3, फुल मार्क्स देख सकते हैं 75 है और पास मार्क्स कितना है? 30 है। तो ये आपका पूरा सब्जेक्ट, उसका कोड, उसका क्रेडिट, उसका फुल मार्क्स, पास मार्क्स मैंने बता दिया। अब टोटल मार्क्स को मैं आपको बताने जा रा हूँ। टोटल मार्क्स हो गया आपके फुल एग्ज़ाम का, वो हो गया 500।
और पास होने के लिए कितना चाहिए आपको, चाहिए 200। ठीक है, पास होने के लिए मिनिमम 200 आपको लाने ही पड़ेंगे, नहीं तो फेल हो जाएंगे, इसको दिमाग में रखिए। ठीक है, 200 लाना ही पड़ेगा। और आपका टोटल क्रेडिट है 20। अब 20 में 20 क्रेडिट मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, गारंटी इस बात पर है कि आपका कॉलेज में बिहेव कैसा है, एग्ज़ाम सेंटर में जो है किस तरीके से आपने एग्ज़ाम दिया, कॉलेज में डिसिप्लिन कैसा है, कितना एग्ज़ाम देते थे। ठीक है, और इन सारे चीज़ों को मिलाकर आपको आपको जो है क्रेडिट मिलेगा, वो भी अगर आपने अच्छा किया, सबसे अच्छा तो 20 मिलेगा, नहीं तो 17-18 में आपको जो है 17-18-19 ऐसे करके दे देगा। ठीक है, और जो अच्छा ने परफॉर्म नहीं किया उसको तो 10-12 भी मिलेगा ही, ना मिले पता नहीं। ठीक है, तो प्लीज़ अच्छे तरीके से इस बात पर ध्यान रखिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका फुल मार्क्स पास मार्क्स का पूरा स्टोरी। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ कि आपका एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होगा, यानी क्वेश्चन कैसे आएगा। बहुत दिन से इसी पर जो है हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि क्वेश्चन कैसा आएगा, इस बात को हम लोग को बहुत कन्फ्यूजन हो रहा था, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो है नया एजुकेशन पॉलिसी के तहत एग्ज़ाम हो रहा है, 4 साल का ग्रेजुएशन हो गया है। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ चीज़ें आप देख लीजिए। यहाँ देखिए, ये दोनों 100-100 मार्क्स का है। ठीक है, और यहाँ पर जो है 75 मार्क्स का 2 ठू है, 75 मार्क्स का 2 ठू है, 1 ठू ये वाला हो गया, 1 ठू आपका डिजिटल एजुकेशन हो गया, और 50 मार्क्स का 2 ठू है आपका, 1 हिंदी हो गया और आपका वैल्यू एडेड कोर्स हो गया, यानी कि अंडरस्टैंडिंग इंडिया, डिजिटल एजुकेशन और योगा। तो 100 का पहले बात करेंगे, उसके बाद 75 का। तो यहाँ पर हो गया आपका, सबसे पहले बात होता है 100 का। ये देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो फुल मार्क्स है वो कितना है, 100, सब्जेक्ट कोड और टोटल आपका टाइम कितना दिया है, 3 घंटा। ठीक है, फुल मार्क्स कितना है, 100, टोटल टाइम कितना है, 3 घंटा। तो ये आपका 2 चीज़ का एग्ज़ाम होगा। यहाँ पर होगा आपका मेजर, ठीक है, मेजर, और यहाँ पर आपका होगा माइनर, यानी कि मेजर और माइनर का आपका एग्ज़ाम होगा जो कि 3 घंटा का होगा। ठीक है, और इस एग्ज़ाम में जो है 3 घंटा के एग्ज़ाम में जो है आपको किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। पहला चीज़, जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं मैं उसी को यहाँ पे समझा दूँगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, पहला चीज़ आपका है ग्रुप ए और ग्रुप बी, 2 ग्रुप हो गए। ग्रुप ए में आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं 10 क्वेश्चन है, और ये 10 क्वेश्चन जो है शॉर्ट रहेंगे, शॉर्ट टाइप के रहेंगे। ठीक है, शॉर्ट टाइप के रहेंगे, मतलब छोटे छोटे रहेंगे, यानी आपको छोटे छोटे आंसर इसके देने पड़ेंगे। इसके अलावा प्रत्येक क्वेश्चन 1-1 नंबर का, यानी 10 ठो बना दिया तो 10 नंबर का आपको मिलेगा, यानी 1-1 लाइन में आपको आंसर देना पड़ेगा इसका। ठीक है, 1-1 लाइन में आंसर देना पड़ेगा। और यहाँ पर जो है मान लीजिए कि आपका हिस्ट्री है, तो यहाँ क्वेश्चन पूछेगा कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, इस प्रकार से। या छोटे छोटे और भी कुछ क्वेश्चन, मान लीजिए कि आपका इकोनॉमिक्स है, तो पूछेगा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं, इस प्रकार के छोटे छोटे क्वेश्चन आपको पूछेगा। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन आएंगे, और 10 क्वेश्चन हो सकता है एमसीक्यू में भी हो, अभी तक इसका कंफर्म नहीं हो सकता है, नहीं हुआ है। ठीक है, एमसीक्यू भी हो सकता है, लेकिन ये कंपलसरी है, ये आपको 10 ठो बनाने ही पड़ेंगे। अब 10 ठो बनाने के बाद आपका ग्रुप बी आता है, मतलब 10 ठो बनाने के बाद आपको 2 क्वेश्चन और आता है, ये देखिए, 2 नंबर और 3 नंबर। ठीक है, जो ये 2 नंबर और 3 नंबर है, ठीक है, तो ये आपका हो गया 5 मार्क्स का। ठीक है, 5 मार्क्स का, यहाँ आप देख सकते हैं साइड में दिया है 5 नंबर का। ठीक है, यानी इसको थोड़ा लंबा आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि 5 नंबर दे रहा है ना, तो थोड़ा लंबा, यानी कि एक दो पेज में तो भरना ही पड़ेगा। ठीक है, आप 1 से 2 पेज तो भरेंगे, नहीं तो 5 नंबर थोड़ी ना मिलेगा। तो ये आपका हो गया 1 और 2 और 3। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या हो गया, छोटा छोटा आपको आंसर देना है, दूसरा तीसरा थोड़ा बड़ा, क्योंकि 5 नंबर मिल रहा है। और इसके बाद आपका है ग्रुप बी आएगा, ग्रुप बी में देख सकते हैं आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल 6 क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन 6 में आपको कितने बनाने होंगे, 4, 6 में कितने बनाने होंगे, 4, और ये 4 क्वेश्चन बनाएंगे, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन का मार्क्स देख सकते हैं आपकी 20-20 करके है, 20-20 करके। आप दाहिने साइड में देखिए, 20-20 करके सभी का नंबर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा पेज में लिखना पड़ेगा, क्योंकि 20 नंबर करके दिया है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब पेज आपको इसमें यूज करना पड़ेगा। आप कम से कम 4 पेज 5 पेज में आंसर लिखिए एक एक का, क्योंकि 20 नंबर दिया जा रहा है, इतना कम पेज में लिखेंगे तो आपको नंबर नहीं देगा ना। तो ये चीज़ आप समझ लीजिए कि मेजर और माइनर का 100 मार्क्स का जो एग्ज़ाम होगा फुल मार्क्स का 3 घंटा का, आपका 1 नंबर में 10 क्वेश्चन रहेगा, फिर 2 नंबर का क्वेश्चन, 3 नंबर का क्वेश्चन, ऐसे करके 4 से लेकर 9 तक। लेकिन इसमें आपको ग्रुप बी में सिर्फ 4 ही 2 बनाने हैं। ठीक है, और ग्रुप ए में आपको देख सकते हैं कि 1, 2, 3 क्वेश्चन है। ठीक है, 1 नंबर में 10 क्वेश्चन है, ये तो क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग आगे, आगे हम लोग का 50 मार्क्स का। तो 50 मार्क्स का हम लोगों ने देखा था कि 50 मार्क्स क्या थे, यहाँ पर फिर से एक बार देख लेते हैं। आप देखिए यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग इंडिया 50 मार्क्स का है, हिंदी 50 मार्क्स का, यानी कि अंडरस्टैंडिंग इंडिया और हिंदी उसका है ये आपका 50 मार्क्स, अंडरस्टैंडिंग इंडिया और हिंदी का। आपको टाइम मिलेंगे 2 घंटा, यानी कि अंडरस्टैंडिंग इंडिया का 2 सब्जेक्ट हो गए, अंडरस्टैंडिंग इंडिया और इन्वायरमेंटल स्टडीज़
में दो दो घंटा करके और हिंदी में 2 घंटा करके। अब यहाँ पर देखिए इसका थोड़ा क्वेश्चन अलग आएगा। कैसे आप देख सकते हैं, एक नंबर का जो है वही शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आएगा, लेकिन आपको 5 2 क्वेश्चन देगा, 5 नंबर। इसके अलावा ग्रुप बी में आपको देखिए, ग्रुप ए में सिर्फ 5 क्वेश्चन रहेंगे, छोटे छोटे 5 क्वेश्चन, और ग्रुप बी में जो है थोड़े बड़े आपको लिखने पड़ेंगे 15 मार्क्स वाले। वहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5, 5 है। 5 में आपको 3 का आंसर देना पड़ेगा, 5 में कितना का आंसर देना पड़ेगा, 3 का, और प्रत्येक 15 15 नंबर का है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा बड़ा आपको लिखना पड़ेगा, 15 नंबर का, तो कम से कम आप 3 से 4 पेज आपको लिखना पड़ेगा, 3 से 4 पेज, ठीक है, क्योंकि 15 नंबर का है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे लास्ट वाले क्वेश्चन पेपर में, जिसमें 75, अब देखते हैं यहाँ पे 75 किसका किसका था। देखिए 75 आपको कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है, फुल मार्क्स 75 आपका एमडीसी का है और आपका डिजिटल एजुकेशन का है लास्ट में। देखिए तो एमडीसी और डिजिटल एजुकेशन इनका है 75 मार्क्स, फुल मार्क्स है। अब इसका क्वेश्चन पैटर्न कैसे आएगा, यहाँ देख सकते हैं कि एक नंबर में आपके 5 प्रश्न रहेंगे, एक नंबर में 5 छोटे छोटे जो कंपलसरी आपको लिखना ही पड़ेगा। इसके अलावा 2 नंबर का, ये देखिए 2 नंबर और 3 नंबर, ये 5 5 मार्क्स के आएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 5 5 मार्क्स के आएंगे। तो थोड़ा कोशिश कीजिए 2 से 3 पेज में इसको लिखने का। और ग्रुप ए के बाद ग्रुप बी आएगा जो कि 15 15 मार्क्स का रहेगा, इसमें आपका टोटल रहेगा 6 क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 6, ग्रुप बी में 6 क्वेश्चन है, 6 में आपको पूरा 6 नहीं बनाना है, आपको इसमें से कितना बनाना है, 4 ठो बनाना है, ठीक है, और ये 15 15 मार्क्स के रहेंगे। तो यहाँ आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा कि आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है, यानी कि क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो किस तरीके से आएगा, ठीक है। क्वेश्चन का ही पूरा पैटर्न है, इस तरीके से ही क्वेश्चन आएगा। ये आपका मेजर माइनर का हो गया, ये आपका जो है 50 मार्क्स जिसमें आपका हिंदी हो गया, अंडरस्टैंडिंग इंडिया, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ या फिर योगा, उस पर क्वेश्चन हो गया, और फाइनली ये आपका डिजिटल एजुकेशन और आपका एमडीसी का हो गया, ठीक है। तो पूरे सब्जेक्ट का पूरा क्वेश्चन का फॉर्मेट अलग अलग है, हर क्वेश्चन का फॉर्मेट अलग अलग है, ठीक है। तो अब जो हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, वो क्वेश्चन कुछ इसी तरीके से तैयार किया जाएगा, इस तरीके से, ताकि आप इस चीज़ को प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। तो क्वेश्चन तैयार होगा और उसके बाद जो है मतलब इस प्रकार से क्वेश्चन को तैयार करेंगे कि एग्ज़ाम के क्वेश्चन से हल्का फुल्का जो है हम लोग आसपास संभावित प्रश्न को जो है तैयार करेंगे, ताकि हम लोग को ये पता चलेगा कि किस तरीके से एग्ज़ाम जो है हम दे किस पैटर्न से दें कि एग्ज़ाम में हमको डर ना लगे। क्योंकि एग्ज़ाम में सभी को एकदम इतना भयानक डर लगता है कि वो सोचता है कि पता नहीं हम क्या लिख देंगे क्या नहीं, ठीक है, क्योंकि उसको पहले से प्रैक्टिस नहीं होता। अगर आप पहले से प्रैक्टिस करें होंगे, जो टॉपर्स लोग होते हैं ना, लोग पहले से प्रैक्टिस करके रखता है, तो प्रैक्टिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा है, प्रैक्टिस आपको होना चाहिए। क्योंकि प्रैक्टिस अगर आप नहीं करेंगे पहले से, तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकता है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो प्रैक्टिस अधिक से अधिक करने के लिए ये सैंपल पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी की तरह के इसी मदद से, और फुल मार्क्स 5 मार्क्स तो हम लोग के दिमाग में आ ही गया है, ठीक है, बस इसको दिमाग में रखते हुए अब प्रैक्टिस स्टार्ट होगा, पढ़ाई स्टार्ट होगा, ठीक है। पढ़ाई पे ज़ोरदार तरीके से आप जो है मेहनत करना तैयार मतलब स्टार्ट कर दीजिए, और अच्छा क्रेडिट, अच्छा फुल मार्क्स, ठीक है, लाइए, अधिक से अधिक जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाइए, ताकि आपको जो है यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल मिल सके, ठीक है। गोल्ड मेडल लाना ही है जिसे भी करके, गोल्ड मेडल सबका जो है फाइनली 4 साल के पढ़ाई के बाद गोल्ड मेडल लाना अनिवार्य है, कम से कम एक कॉलेज में तो एक गोल्ड मेडल तो आना ही चाहिए। तो इस तरीके से जो है पढ़ाई का असली मतलब निकलेगा, ठीक है। तो पढ़ते रहिए और बने रहिए एग्जाम डी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।